पुलिस थाना घुमारवी में एक मामले में दो पक्षों ने अलग अलग अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जबकि इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी एक लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले में एक महिला सावित्री देवी ने अपने ही पंचायत के एक पूर्व उप प्रधान पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने अपने बयान में कहा है कि आरोपी दीवानी अदालत से स्टे हो जाने के बावजूद विवादग्रस्त भूमि में निर्माण कार्य कर रहा है, जिसके लिए उसने उन्हें काम करने से मना किया, लेकिन उन्हें काम बंद नहीं किया तथा जैसे ही उन्होंने काम को रोकने को चाहा तो उन्होंने उन पर हमला कर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें उनको और उनके बेटे को काफी गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि मामले में दूसरे पक्ष की तरफ से भी महिला अनु कुमारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा गया है कि जब वे अपने मकान का काम कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने उनके घर में काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट की, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी घुमारवी अनिल ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है तथा छानबीन की जा रही है। 6/2021 को खुंगन गांव में दो अंगूठों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस संदर्भ में हमने क्रॉस FIR दोनों पक्षों के द्वारा करवा दी गई है, जिसमें हम आगामी कार्रवाई युवा में लाई जा रही है।